पीएम मोदी के नोटबंदी के अभियान को सफल बनाने में बैंक कर्मियों ने कड़ी मेहनत की। बैंक कर्मी लगातार दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते रहे। वहीं अब बैंक कर्मचारियों की एक यूनियन ने अतिरिक्त काम करने वाले कर्मचारियों को ओवर टाइम की मांग की है। आपको बता दें कि नोटबंदी के अभियान के 50 दिनों के दौरान ज्यादातर बैंक कर्मियों ने 12 से 18 घंटे तक काम किया। अब भारतीय मजदूर संघ से जुड़े नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स यानी कि NOBW ने मांग की है कि अतिरिक्त काम करने वाले बैंक कर्मियों को ओवर टाइम दिया जाए। वहीं यूनियन ने ये मांग ऐसे समय में की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नोटबंदी के दौरान कड़ी मेहनत के लिए बैंक कर्मियों को सराहा था। ओवर टाइम को लेकर यूनियन के सदस्यों ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि बीते 50 दिन में बैंक कर्मचारियों ने 12 से 18 घंटे प्रतिदिन काम किया। केवल कुछ ही बैंक अतिरिक्त काम के लिए ओवर टाइम देते हैं। कृपया प्रबंधन से कहें कि वो अतिरिक्त काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को ओवर टाइम देने पर विचार करें। तो 50 दिन तक बैंक में डटकर काम करने वाले बैंक कर्मचारियों ने अब अपने ओवर टाइम के लिए पीएम से गुहार लगाई है। वैसे बैंक कर्मियों की यह मांग जायज भी नजर आ रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।